हाँ बेटा, तो अपन डिस्कस कर रहे थे रिसाइकल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें से कि बाइनरी फिजन की अपनी बातें हो चुकी थी, बाइनरी फिजन के बाद मल्टीपल फिजन की बातें हो चुकी थी, और अपन डिस्कस करने वाले थे स्पोरुलेशन के बारे में। ठीक है, स्पोरुलेशन के बारे में अगर बात की जाए तो दरअसल यहाँ पे अपन बात करना चाह रहे थे स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस के बारे में। ठीक, तो देखते हैं, चलिए जनरल केसेस में अगर अपन देखें इम्पोर्टेंट वाइज, तो तीन तरह से बेसिकली अपने को यहाँ पे प्रोसेस देखने को मिलती है। फर्स्ट वन इज एंडोस्पोर फॉर्मेशन, जूस्पोर फॉर्मेशन एंड कोनिडिया फॉर्मेशन। ठीक है, आप कह सकते हैं एक तरह से कि जूस्पोर एंड कोनिडिया फेवरेबल कंडीशन में स्पोर फॉर्म होते हैं, जबकि एंडोस्पोर का फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन में देखने को मिलता है। ठीक है, पहले बात करते हैं चलो जूस्पोर की। जूस्पोर की ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस है, बहुत कॉमन प्रोसेस है बैक्टीरिया में मिलने वाली। ये प्रोसेस जनरली अपने को देखने को मिलती है राइजोबियम में। ठीक है, देन इसके बाद अगर अपन कोनिडिया की बात करें तो कोनिडिया ये कुछ जो स्पेशल फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, फिलामेंटस बैक्टीरिया, फिलामेंटस बोले तो जिनमें फ्लैजिला अपने को देखने को मिल रहा था। ठीक, तो ये फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया होते हैं, उनमें जो एपेक्स वाला पोर्शन होता है, फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया का एपेक्स वाला पोर्शन, एपेक्स वाले पोर्शन की कुछ सेल्स क्या होंगी, मॉडिफाइड होती है। मॉडिफाइड होकर के वो स्पोर फॉर्मेशन का काम करने लगती है। ये जो मॉडिफाइड सेल्स हैं इनको अपन नाम देते हैं कोनिडियोफोर। इनको अपन क्या नाम देते हैं, कोनिडियोफोर। ठीक है, और इन्हीं कोनिडियोफोर के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं उनको अपन नाम देते हैं कोनिडिया। क्या नाम देते हैं, कोनिडिया। मैच्योर कंडीशन पे ये स्पोर्स जहां पे भी बन रहे होंगे, जैसे जो स्पोर की बात करें तो इनकी जो स्पोर मदर सेल होगी, या कोनिडिया की बात करें तो इनकी जो स्पोर मदर सेल होगी कोनिडियोफोर। ठीक है, तो ये अपने स्पोर मदर सेल के अंदर बनते हैं। बनने के बाद जब ये मैच्योर होते हैं तो मैच्योर होने के बाद क्या होंगे, ये एनवायरमेंट में रिलीज हो जाएंगे। जिस सेल में ये बन रहे होंगे वो सेल बर्स्ट होगी, और बर्स्ट होने के बाद ये एनवायरमेंट में रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, ये तो कहानी थी फेवरेबल कंडीशन की। अनफेवरेबल कंडीशन में अपन देखें, अब एग्जांपल वाइज आप समझ सकते हो कि जूस्पोर का अपन ने राया तो अपन ने राइजोबियम दे दिया, और कोनिडिया में अपन ने बता दिया क्या, फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया। फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया आपके पास आइडिया है, ट्राई अपन ने जो मोनोट्राइकस, डाइट्राइकस, एम्फी, लोफो, पेरिट्राइकस, सिफेनोट्राइकस की बात की थी, उनके एग्जाम्पल से आप तुरंत उसको कैश कर लेंगे। ठीक है, देन अपन बात करते हैं बेटा एंडोस्पोर फॉर्मेशन की। ये थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज है, एंडोस्पोर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर हम डिस्कस करें आपसे, तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनने वाला स्पोर है, ये इतना ज्यादा हाई थिक वॉल होता है, इतना ज्यादा रेजिस्टेंट नेचर का होता है कि लगभग 100 डिग्री का टेम्परेचर ये बियर कर सकता है, एक्सट्रीम पीएच की कंडीशन को भी ये बियर कर सकता है, किसी भी तरीके के टॉक्सिक मटेरियल का इफेक्ट इसमें नहीं होता है, ड्रॉट कंडीशन कैसे भी हो ये उसको बेयर कर लेगा। ठीक है, मतलब एंडोस्पोर की जो थिक वॉल है वो बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट नेचर की होती है, जिसके कारण से कि अंदर जो स्पोर्स बने हैं उनको किसी भी तरीके का हार्मफुल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। ठीक है, देखते हैं, देखिए अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, तो ये सबसे पहला पॉइंट अपने को क्या मिलता है कि ये जो हमारा एंडोस्पोर का फॉर्मेशन की प्रोसेस है ये कब होगी, कब फॉलो कराई जाएगी, अनफेवरेबल कंडीशन। किन बैक्टीरिया के थ्रू फॉलो कराई जाती होगी, तो कुछ बैक्टीरिया जैसे कि अपन कह सकते हैं बैसिलस एंथ्रेसिस, क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी, ये कुछ इस तरह के ऐसे बैक्टीरिया है जो कि एंडोस्पोर फॉर्मेशन के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, आप ये भी कह सकते हो कि जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, मैक्सिमम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अंडर अनफेवरेबल कंडीशन इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अंडर अनफेवरेबल कंडीशन एंडोस्पोर की फॉर्मेशन की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। देन एग्जांपल हमने आपको बता दिया बैसिलस एंथ्रेसिस, क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी एक्सेट्रा। वेल होता क्या है, देखो इस पूरी की पूरी प्रोसेस में एंडोस्पोर आर हाईली थिक एंड रेजिस्टेंट स्पोर, ये हमने आपको पहले बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोसेस में क्या होता होगा, अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल कंटेनिंग न्यूक्लियर बॉडी स्टोर फूड अंडरगोज डिहाइड्रेशन एंड सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी रेस्ट बाय मींस ऑफ मीजोसोम। क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट का एक पार्ट जिसमें की जेनेटिक मटेरियल होगा, फूड स्टोर होंगे, ये डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, या आप कह सकते हो डिहाइड्रेशन की कंडीशन में ये चले जाते हैं,
और जाकर के वहां पे ये मीजोसोम से सेपरेट हो जाएंगे। मीजोसोम से सेपरेट होने के बाद क्या होंगे, एंड इनर ग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन इट इज कॉल्ड द एंडोस्पोर प्राइमोर्डियम। क्या होगा यहाँ पे, ये मीजोसोम से भी सेपरेट हो गए और सेपरेट मतलब साइटोप्लाज्म का एक पार्ट जिसमें की न्यूक्लियर बॉडी है, जिसमें की फूड मटेरियल स्टोर्ड है, ये पार्ट मीजोसोम से जो कि अभी तक जुड़ा हुआ था उससे क्या होगा सेपरेट हो जाएगा। मीजोसोम से सेपरेट हो जाएगा इसका मतलब जो सेल मेम्ब्रेन का इनर ग्रोथ हो रहा था वो भी वहां पे रुक जाएगा, उससे भी वो कम्प्लीटली सेपरेट हो गया डिहाइड्रेशन की कंडीशन के कारण। यहाँ पे एक कंडीशन बताई गई है डिहाइड्रेशन की कंडीशन, ठीक है। अब सेपरेट हो गया तो अब ये जो मटेरियल बना है सेपरेट होकर के, अब इसको अपन दरअसल कहते हैं एंडोस्पोर प्राइमोर्डियम। क्या कहते हैं, एंडोस्पोर प्राइमोर्डियम। तो आप ये भी कह सकते हो कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन और ड्यूरिंग डिहाइड्रेट क्रॉनिक डिहाइड्रेशन कंडीशन साइटोप्लाज्म बंच ऑफ साइटोप्लाज्म विच कंटेन जेनेटिक मटेरियल एंड स्टोर्ड फूड मटेरियल विल कन्वर्टेड इनटू एंडोस्पोर प्राइमोर्डियम स्ट्रक्चर, ठीक है। Now what happened? This primordium secrete a wall. This primordium secrete a chemical which goes when come into atmospheric contact it will get solid and look like a wall like structure. So इसको यहाँ पे आप अपन ने कहा primordium और endospore primordium secrete a wall. एक wall like structure ये release करता है around it. Which deposited over it to form endospore, ठीक है। अब ये जो wall like structure है definitely इसमें कुछ chemical release किए होंगे atmospheric contact में, वो solid हुआ होगा और wall like structure बन गया होगा। ये wall like structure इस cytoplasm के चारों तरफ क्या होगा बनता चला जाएगा, बन गया। अब उसी wall like structure को ही बेटा अपन ने क्या नाम दिया है, endospore का नाम दिया है। And the residual cytoplasm and the wall of parental bacterium undergo autolysis. अब क्या होगा, एंडोस्पोर बना, एंडोस्पोर तब तक बने रहेंगे जब तक कि कंडीशन कम्प्लीटली फेवरेबल नहीं हो जाती। एक बार जब कंडीशन फेवरेबल हो जाएगी उसके बाद क्या रहेगा, वो जो साइटोप्लाज्म था उसकी जो वॉल थी वो वॉल क्या हो जाएगी, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल थी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी ऑटोलिसिस की प्रोसेस में चली जाएगी या टूट जाएगी। आप ये भी कह सकते हो कि जैसे ही फॉर्मेशन एंड फेवरेबल कंडीशन आई ये एंडोस्पोर ब्रेक डाउन हो जाएगा और ब्रेक डाउन होने के बाद क्या हो जाएगा कि जो भी स्पोर्स थे वो स्पोर एयर में क्या हो जाएंगे, लिबरेटेड हो जाएंगे या रिलीज हो जाएंगे। एंडोस्पोर की वॉल जैसे ही टूटी, बैक्टीरियम की बॉडी जैसे ही टूटी, उसके बाद वो जो न्यूली फॉर्म जो स्पोर थे वो क्या हो गए, एयर करंट के थ्रू स्प्रेड हो गए, हवा में स्प्रेड हो जाएंगे और आगे चलकर वो जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट होकर के नया बैक्टीरियम बनाते हैं, ठीक है। बड़ी सिंपल सी ये प्रोसेस थी। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देखें, ये हो गया हमारा पैरेंटल बैक्टीरियल सेल, ये हमारा पैरेंटल बैक्टीरियल सेल हो गया। इस पैरेंटल बैक्टीरियल सेल में वो सारी की सारी चीजें प्रेजेंट है जो कि जनरली एक बैक्टीरियम में होती है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ, अनफेवरेबल कंडीशन आने स्टार्ट हुई तो ये हमने क्या बना दिया, बैक्टीरियल सेल का हमने वो साइटोप्लाज्म वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे अभी हमने डिजाइन कर दिया, बिल्कुल ये सेपरेट हो गया। इसके पास स्पोर फूड मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल भी होगा, सारी की सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। मतलब ये एक स्ट्रक्चर किसका है, ये एंडोस्पोर प्राइमोर्डियम का। अब इस एंडोस्पोर प्राइमोर्डियम ने अपने चारों तरफ ये देखो एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, ठीक है। क्या क्रिएट किया, ये वॉल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट किया। इस वॉल लाइक स्ट्रक्चर को अपन ने क्या नाम दिया हुआ है, एंडोस्पोर। क्या नाम दिया हुआ है बेटा अपन ने इसको, एंडोस्पोर, एंडोस्पोर, ठीक है। अब ये एंडोस्पोर अभी कंटिन्यू रहेगा जब तक अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी ये देखो ये एंडोस्पोर क्या हो गया, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया और ब्रेक डाउन होने के बाद ये जो न्यूली फॉर्म बॉडीज थी वो यहाँ से रिलीज हो रही है, ठीक है। ये रिलीज होंगी और रिलीज होने के बाद अगले स्टेप में आप देख सकते हो यहाँ पे मैच्योर बैक्टीरियम रिलीज हो गया है एटमोस्फियर में, ये रिलीज हुआ एयर करंट के थ्रू और आगे चल करके ये कम्प्लीट मैच्योर बैक्टीरियम में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ऑल एंड ऑल बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। हुआ क्या, अनफेवरेबल कंडीशन में इसने अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना ली। ये प्रोटेक्टिव लेयर इसको हर तरह की कंडीशन से, चाहे वो किसी भी तरीके का टेम्परेचर हो, किसी भी तरीके का हाई या लो पीएच हो, ड्रॉट की कंडीशन हो, ड्रास्टिक कंडीशन हो, किसी भी तरीके की कंडीशन से
प्रोटेक्ट करता है, और प्रोटेक्ट करने के बाद जब भी कभी अंदर ही अंदर ये मैच्योर होता रहेगा, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी ये हार्ड कवरिंग या एंडोस्पोर के लिए ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक होने के बाद क्या होगा, ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होंगे स्पोर्स और ये जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होकर के मैच्योर बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो देखो स्पोर फॉर्मेशन में अपन ने तीन बातों की बात की, बेसिकली बात की जू स्पोर जो कि बहुत ही कॉमन मेथड है, जनरली राइजोबियम में आप देख सकते हो, कोनिडिया कोनिडिया कोनिडियो फोर में बनते हैं, ये याद रखना कोनिडियो फोर क्या है, कोनिडिया की मदर सेल होती है, ये जनरली अपने को फिलामेंटस बैक्टीरिया की बॉडी में देखने को मिलती है ये प्रोसेस, और दोनों की दोनों कंडीशन में जो स्पोर्स है अपनी स्पोर मदर सेल के अंदर ग्रो करेंगे, वहां पे फॉर्म होंगे, ग्रो करेंगे, और मैच्योर होने के बाद क्या होगी, जैसे वो मैच्योर होंगे, मैच्योर होना मतलब सेल के अंदर का जो भी फूड मटेरियल था या जो भी लिक्विड था वो क्या हो गया, यूटिलाइज हो गया, तो यूटिलाइज होने के कारण वो जो सेल वॉल होती है उसके स्ट्रेचिंग होती है और वो ब्रेक हो जाती है, वो ब्रेक होगी, और ब्रेक होने के बाद वो जो स्पोर्स थे वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होंगे, स्प्रेड होंगे, एंड देन फिर जर्मिनेट होंगे, नॉर्मल कंडीशन होगी। अब कहानी क्या हुई एंडोस्पोर वाले स्टोरी में, क्या हुआ कि वो बन तो रहे थे, बनने के बाद वो रिलीज भी ठीक वैसे होते, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन थी, और अगर अनफेवरेबल कंडीशन में ये रिलीज होते तो ये स्पोर्स डेड हो सकते थे, ठीक है, मर सकते थे। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए जो बैक्टीरियल मदर सेल है उसने ये पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो किया, उसने वहां पे एंडोस्पोर प्राइमोर्डियम का फॉर्मेशन किया, उस एंडोस्पोर प्राइमोर्डियम ने एंडोस्पोर बनाया, और वो एंडोस्पोर उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। फिर जब भी मैच्योर कंडीशन आती है, या आप कह सकते हो कि फेवरेबल कंडीशन आती है, इस एंडोस्पोर की जरूरत खत्म, ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद जो न्यूली फॉर्म स्पोर है वो रिलीज होंगे, और रिलीज होकर के जर्मिनेट होकर के नया पेरेंटल बॉडी बनाएंगे या वो ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, अब यहां तक की जो प्रोसेस थी बेटा ये थी अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, अपन ने बाइनरी फिशन देखा, अपन ने मल्टीपल देखा, अपन ने स्पोर फॉर्मेशन देखा। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि एंडोस्पोर क्या होते हैं, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन किन बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, अच्छा एक और खास बात यहाँ पे बेटा आपने डिस्कस करनी थी, वो ये थी कि हमारा ये जो एंडोस्पोर होता है, जैसे देखो क्या हुआ, धीरे धीरे करके ये मैच्योर होंगे ना, तो मैच्योर होंगे जब स्पोर एंडोस्पोर के अंदर मैच्योर होते हैं, उस टाइम पे क्या होगा, लिक्विड कंटेंट धीरे धीरे करके क्या होगा, कम होगा। तो लिक्विड कंटेंट कम होने के बाद इनको क्लंपिंग से या गुच्छा बनने से या आपस में चिपकने से बचाने के लिए यहाँ पे एक एंटी कोयागुलेंट केमिकल रिलीज होता है। ठीक है, यहाँ पे एंडोस्पोर के थ्रू एक एंटी कोयागुलेंट केमिकल रिलीज होता है, वहां पे बनता है, और उस केमिकल को अपन बोलते हैं डाई पिकोलोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, डाई पिकोलोनिक एसिड। ये डाई पिकोलोनिक एसिड को एसिड है जो कि लिक्विड मटेरियल कम होने के बाद भी हमारे स्पोर्स को अलाइव कंडीशन में बचा के रखता है। ठीक है, तो दो चीजों को याद रखना है, एंडोस्पोर है क्या, कब बनता है, किन बैक्टीरिया में ये बन रहा है, और वहां पे उसको डिहाइड, चूंकि अपन ने पहले कंडीशन बताया था डिहाइड्रेशन कंडीशन, मतलब वाटर का कंटेंट क्या होगा, धीरे धीरे करके घटता जाएगा, ऑलमोस्ट फिनिशिंग की कंडीशन में आएगा, तो वाटर कंटेंट खत्म, तो ऑब्वियसली बात है अंदर के स्पोर्ट्स में क्लंबिंग हो जानी चाहिए, बट क्लंबिंग नहीं होती है, उसको जितना भी कम लिक्विड है उसको एंटी कोएगुलेंट की कंडीशन में भी बनाए रखने के लिए डीपी कॉलोनिक एसिड हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टार पॉइंट बना करके, यहाँ पे स्टार पॉइंट बना रहे, लिख दे रहे हैं जाए पी कॉलोनिक एसिड। ठीक है, इस एसिड को आप बिल्कुल मत भूलना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड है, यही डिहाइड्रेशन की कंडीशन से इसको बचाता है। ठीक है, इतनी सी चीजें बस आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगले पॉइंट में यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पेशली कॉन्जुगेशन को थोड़ा सा डीप में लेकर के चलेंगे, जो कि आपके सिलेबस में काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन अब एज पर रिक्वायरमेंट वहां पे अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, थोड़ा सा आइडिया दे दे, कॉन्जुगेशन की प्रोसेस में दो बैक्टीरियल सर आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगी, जहां पे याद है अपन ने प्लाज्मिड के बारे में बात की थी, एफ प्लाज्मिड, जी बिल्कुल, यहाँ पे अपन एफ प्लाज्मिड के ही बेस पे अपन कॉन्जुगेशन की प्रोसेस को डिफाइन करेंगे, मतलब एक बैक्टीरिया होगा मेल बैक्टीरिया जिसको अपन कहेंगे एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया या एफ प्लस बैक्टीरिया, दूसरा बैक्टीरिया होगा जिसमें कि एफ माइनस बैक्टीरिया अपन उसको कहेंगे या फीमेल बैक्टीरिया कहेंगे, और एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया पीली की हेल्प से एफ निगेटिव बैक्टीरिया को पेनेट्रेट करेगा, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी, और मटेरियल जो कि रेप्लिकेट हुआ है एफ पॉजिटिव में वो रिलीज कराया जाएगा एफ नेगेटिव में, उसके बैक
उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ क्या होगा, वो रेप्लिकेट करेगा और ऐसे एफ जो माइनस वाला है वो एफ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें यह भी हो सकता है कि कंप्लीट जो रेप्लिकेटेड यूनिफॉर्म जो जेनेटिक मटेरियल है वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाए, या ऐसा भी कई बार हो सकता है कि इनकम्प्लीट ट्रांसफर होगा। अगर कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया तो एफ नेगेटिव एफ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कॉन्जुगेशन की प्रोसेस सक्सेसफुल हो गई। लेकिन अगर ऐसा हो कि जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट हो और ट्रांसफर तो हो बट कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो, तो कॉन्जुगेशन की प्रोसेस फॉलो हुई बट एफ माइनस एफ पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं हुआ, मतलब जिसमें सेक्स फैक्टर नहीं था उसमें अभी भी सेक्स फैक्टर नहीं आया कॉन्जुगेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी। ये एक ऐसा स्पेशल केस होता है जिसमें कि आप कह सकते हैं कि स्यूडो कॉन्जुगेशन की प्रोसेस फॉलो हो रही है, कॉन्जुगेशन होता तो है बट रिजल्टेंट वहां पे एज इट इज रहता है, रिजल्ट अपने को पॉजिटिव में नहीं मिलता। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है जिसमें कि अपने को पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता, इसमें अपने को मीरोजाइगोट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, मतलब जाइगोट बना तो है बट प्रॉपरली सक्सेसफुल जाइगोट नहीं बना है। ये प्रोसेस कब होगी, जब इपिसोम का फॉर्मेशन होगा, मतलब जब प्लाज्मिड जेनेटिक मटेरियल के साथ मिल चुका होगा और हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रेप्लिकेशन की रेट वहां पे अपने को देखने को मिलती है। तो रेप्लिकेशन तो बहुत तेजी के साथ हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल प्रॉपरली ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो एफ माइनस रिमेन एफ माइनस की ही कंडीशन वहां पे फॉलो होगी। कुछ ऐसे ही बहुत सारी जेनेटिकल कंडीशन के बारे में अपन कॉन्जुगेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन कॉन्जुगेशन के साथ मिलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपन डिस्कस करते हैं बैक्टीरिया के। ठीक है, तब तक आप इतना मटेरियल आप रिकॉल करिए, रिवाइज करिए, जितनी भी चीजें बैक्टीरिया की है उसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए जो मोडेरा प्रोटिस्टा एंड फंगी है ये आगे चल करके प्लांट डाइवर्सिटी और एनिमल डाइवर्सिटी में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। यहाँ से बेस आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो लिविंग बर्ड और क्लासिफिकेशन वाले के जो चैप्टर है ये आपका बायो का बेस बनाने वाले हैं आगे चल करके। ठीक है, इनको अच्छे से बार बार देखिए, समझिए, रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए। आगे अपन मिलेंगे अगले लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। ठीक है बेटा।